मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। दीपावली के पूर्व इनकम टैक्स विभाग ने इंदौर में कई बिल्डरों, ज्वेलरों और इनसे जुड़े लोगों के घरों, प्रतिष्ठानों और ठिकानों पर कार्रवाई की है। विभाग ने अभी टैक्स चोरी व अन्य गड़बड़ियों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आशंका है कि बीते सालों में इन लोगों द्वारा करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है। इसके साथ ही कई प्रकार की गड़बड़ियां भी की गई है। वहीं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई है, उनमें से एक बिल्डर कांग्रेस नेता का भाई है। प्रदेश में खाद की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि पता नहीं खुद को किसान पुत्र बताने वाले हमारे शिवराज जी को किसानों की परेशानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। अब कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त खाद की व्यवस्था है। बता दें कि यह ट्वीट उन्होंने कल दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर दिया है। यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में दिन रात काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। रविवार यानी आज लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। राजगढ़ जिले के छोटे से गांव उदनखेड़ी में जूते की दुकान चलाने वाले के बेटे योगेश का चयन यूपीएससी में हुआ है। योगेश ने 12वीं रैंक प्राप्त की है। यूपीएससी परिणाम में रुके हुए रिजल्ट आने के बाद ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से योगेश का स्वागत किया। यूपीएससी पास आउट योगेश ने इसका श्रेय माता पिता व काका के बेटे को दिया है। उज्जैन के कंचनपुरा क्षेत्र में रहकर आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र के अपहरण की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि 2 दिन पहले लापता हुआ छात्र के छोटे भाई को मोबाइल पर मैसेज आया कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है। 50,000 रुपए नहीं डालने पर हत्या कर देंगे। रुपए डालने के बाद भी वह नहीं लौटा तो परिजनों ने माधवनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।